नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो सिद्धार्थ पिटानी वो इंसान है जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को मृत देखा था। आपको बता दें कि 2 जुलाई को कोर्ट में सिद्धार्थ पिटानी ने खुद को सरेंडर किया था। दरअसल 2 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर खुद को वे अंसबी की कस्टडी में आ गए थे। एजेंसी ने पिटानी को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रैक किया था और 28 मई को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया और उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस के साथ जोड़ के देखा जाता है और इसी वजह से उनका अरेस्ट हुआ था। अब सिद्धार्थ पिटानी को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सिद्धार्थ जो है वो काफ़ी समय से बेल की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए याचिका डाली, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने फिर से उनकी जो बेल है उसको खारिज कर दिया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया और वे अभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। सिद्धार्थ वो पहले शख्स थे जिन्होंने सुशांत को पिछले साल 14 जून को मृत अवस्था में देखा था। उन्होंने फैमिली मेंबर्स के साथ घर पहुंचने से पहले ही एक्टर की बॉडी को उतार दिया था। सुशांत की दोस्त की बात की जाए रिया की और उनके भाई शोविक की, और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश समेत कई सारे स्टाफ मेंबर्स को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया था। उनके फार्म हाउस से काफ़ी कुछ सामान मिला था, इसके अलावा उनके व्हाट्सएप से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब सिद्धार्थ जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं छूटने की, बाहर आने की, लेकिन लगता है कि कोर्ट जो है वो सख्त रवैया इनके साथ अपना रही है और किसी भी तरह की कोई भी बेल या इनको किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही है। दोस्तों अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सिद्धार्थ को लेकर आगे क्या कोर्ट का फैसला आता है और इस मामले में आखिरकार क्या डिसाइड करता है कोर्ट और सीबीआई। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।